स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक साल के मार्जिनल कॉस्ट एंड फंड बेस्ड लैंडिंग रेट यानी कि MCLR में 0.10% कटौती की है। MCLR से जुड़े सभी लोन इतने सस्ते हो जाएंगे। नई दरें 10 दिसंबर से लागू होंगी। SBI का एक साल का MCLR अब तक 8% से घटकर 7.90% रह जाएगा। SBI के ज्यादातर लोन एक साल के MCLR पर आधारित हैं। ये जरूरी नहीं कि रेट कट का फायदा MCLR वाले सभी ग्राहकों को तुरंत मिले, बल्कि ये उनकी रीसेट डेट पर निर्भर करेगा। MCLR आधारित कर्ज में रीसेट पीरियड एक साल का होता है, यानी जिन ग्राहकों की रीसेट डेट 10 दिसंबर या उसके बाद है तो उन्हें रेट कट का फायदा मिलेगा, लेकिन रीसेट डेट गुजर चुकी है तो अगली बार का इंतजार करना पड़ेगा। 10 दिसंबर या इसके बाद लोन लेने वाले ग्राहक MCLR का विकल्प चुनेंगे तो उन्हें घटी हुई दरों के आधार पर ही कर्ज मिलेगा। SBI ने चालू वित्त वर्ष में MCLR 8वीं बार घटाया है। बैंक का कहना है कि होम लोन और ऑटो लोन में उसका 25% मार्केट शेयर है। RBI के निर्देश के बाद SBI 1 अक्टूबर से रेपो रेट आधारित कर्ज की व्यवस्था भी शुरू कर चुका है। इससे जुड़े लोन RBI द्वारा रेपो रेट घटाने के बाद उतने ही सस्ते हो जाते हैं जितना रेपो रेट में कटौती होती है। अब देखना यह है कि MCLR में कटौती से ग्राहकों को कब और कितना फायदा मिलने वाला है।